जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट हिस्ट्री पर यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने सेलिंग केसर को कंप्लीट हम कैसे सर्विस कर सकते हैं, इसको ओपन करना कंप्लीट यानी कि हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल बटन को भी लाजम जो है क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों ये हमारे जो सीलिंग कैसर का टॉप कवर है, सबसे पहले आप लोगों ने वो ओपन करना है और उसके बाद जो है आप लोगों ने उसके जो अदर पार्ट्स हैं प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने ओपन कर लेने हैं। सिंपल तरीके से आप लोगों ने स्क्रू जो है उनके ओपन करने हैं तो वो आपके जो है ओपन हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने वन बाई वन करके इसके जो पार्ट्स हैं तमाम पार्ट्स जो हैं अलग कर लेने हैं। ये आप लोगों को ऊपर यानी कि छत पर लगे लगे ही यानी कि आप लोगों को मैं सर्विस करना इनका जो तरीक़ाकार है वो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों की मोहब्बत है और प्यार है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो इसका ब्लोड है ये जो ये देखिएगा दोस्तों, इसमें से काफ़ी ज़्यादा कचरा था, ये कंप्लेन थी कस्टमर की और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये जो हमारी सीलिंग कैसेट का इनडोर है वो गंदा है। इसके बाद आप लोगों ने ये जो ड्रेन है आपकी ड्रेन के सिंपल तरीके से आप लोगों ने चार स्क्रूज़ हैं, आप लोगों ने सिंपल तरीके से उसके चार स्क्रू खोलेंगे तो आपकी ड्रेन जो है वो डाउन नीचे आ जाएगी और आप आसानी से जो है अपनी ड्रेन को भी जो है निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों सीलिंग केसेट को सर्विस करने के लिए मैं आप लोगों को आज एक नए तरीके से बताने लगा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सीलिंग केसेट को जब आप सर्विस करने लगते हैं तो आप लोगों को तमाम उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग करने पड़ते हैं, चाहे वो ड्रेन हो, चाहे वो ब्लोड हो, चाहे वो यानी कि आपका ऊपर वाले जो फ्रंट वाले पैनल हैं वो हों, आपको तमाम यानी कि उसके पार्ट्स जो हैं वो अलग करने पड़ते हैं। अगर आप पार्ट्स अलग नहीं करेंगे तो आपका जो है काम यानी कि आप वेपरेटर तक नहीं रसाई जो है आप हासिल नहीं कर सकते। ड्रेन खोलने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इसका जो फ़ैन ब्लोड है उसे निकालना लाजिम है। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे ऐसे ही सर्विस करेंगे तो इसके मोटर जो है मोटर में पानी जाने का हादसा जो है वो लाजिम रहेगा, क्योंकि इसकी मोटर जो है वो ओपन होती है साइडों से तो उसमें पानी जो है बहुत आसानी चला जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कूलिंग कोयल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा है, काफ़ी ज़्यादा डस्टी है। आज कंप्लीट आज की इस वीडियो में हमने उसको क्लीन करना है। सर्विस करने से पहले दोस्तों आपने सबसे पहले जो है इसकी जो फ़ैन मोटर है उसको कवर कर लेना है और जो उसकी पीसी बोर्ड है उसको लाजम कवर कर लेना है, क्योंकि ये जो दो हसास पार्ट्स हैं जिनको आपको कवर करने की ज़रूरत है। और दोस्तों उसके बाद जो है आपने हमारा जो ये देखिएगा ये हमारा जो एसी का कवर है आपने ये लगा लेना है। इसको लगाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके चारों तरफ में यानी कि सिंपल डोरी लगी हुई है जो कि आप लोगों ने जो सीलिंग केसर के चारों तरफ में जो हमारे कंट्रीट रॉड है उनके साथ आप लोगों ने बांध लेनी है। जब बांध लेंगे तो आपका ये कवर जो है कुछ ऐसा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने इसको जो है सर्विस करना है, सर्विस करना है प्रेशर पंप के साथ जो है आपका सीधा जो कचरा जो है बिल्कुल जो है आपका जो कवर है उसमें जो है वो वहाँ पर आएगा और उसके जो नीचे जो आपको पाइप नज़र आ रहा है सारा कचरा बकाएगा जो है आपका वहाँ पर नीचे आके आप एक नीचे बकेट रख सकते हैं, उसके नीचे जो है आपका सारा कचरा आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिएगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जब आपका यहाँ पर एक होल मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपको ये कवर चाहिए तो आप लोग हमारे जो है कांटेक्ट नंबर पर हमारे से कांटेक्ट करके ये कवर मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजम प्रेस कर दें। दोस्तों सीलिंग कैसे को सर्विस करने का अच्छा और सबसे मौजूद तरीक़ाकार है वो यही है, अगर आप इसको उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी कि आप लोगों की एफर्ट यूज़ होगी, मैन पावर यूज़ होगी। यहाँ पर आप लोग बआसानी जो है एक आदमी या दो आदमी आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है इसको सर्विस कर सकते हैं। अगर आप लोग उसको उतारेंगे या उतार कर बाहर ले जाकर सर्विस करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मैन पावर चाहिए, जिस कम अज़ कम भी जो है आप लोगों को 4 से 5 बंदे चाहिए जो आपके लिए हेल्प करें यानी कि सीलिंग के सेट उतारने में, लगाने में, फिक्स करने में। तो वहाँ पर आप लोगों का टाइम का भी जो है बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस होता है।
अगर आप दिन में इस तरह से आप दिन में यानी कि 5 से 6 का यानी कि सीलिंग एसिड सर्विस करते हैं, तो उस तरह से आप 1 या 2 सर्विस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये अगर आप लोगों को हमारा जो सर्विस कवर है ये चाहिए, तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लें यानी कि अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है मंगवा सकते हैं। मैं इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यानी कि आउटडोर भी इसका सर्विस करना बता दूंगा, यानी कि अब वो तो इजी सी बात है, आप लोग खुद भी जानते होंगे इसका आउटडोर आप लोग कैसे सर्विस कर सकते हैं। बेहतर तो यही है हमेशा जो है प्रेशर पंप के साथ सर्विस करें और अच्छे तरीके से जो है उसको सर्विस कर ले। अगर आप इसको आउटडोर को नॉर्मल तरीके से अगर नहीं भी खोलेंगे तो बैक साइड से आप इसको सर्विस करके पानी में लगा के यानी कि प्रेशर के साथ तो आप इसको जो है वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और सर लास्ट पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को जो है अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।